हेलो बेटा लोग, कैसे हैं आप? तो आज दिन में आप लोगों ने थ्री पीरियड बेटा जी बायो पढ़ी थी। एक फोर्थ छोटा सा और पीरियड बेटा जी पढ़ लेते हैं बायो का, ये ऑनलाइन पढ़ लेते हैं आप लोगों के साथ में। सो हम लोगों ने बेटा जी अपने टॉपिक का फिनिश किया था क्लास में। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे आपका टाइप ऑफ द स्टेम, जो हमने लास्ट पीरियड में अपना फिनिश किया था, जहाँ पे आप लोगों ने ये कहा कि स्टेम सर तीन प्रकार की होती है। एरियल स्टेम डेट आर ग्रो इन द एयर, और मैं कहूंगा जो ग्राउंड से ऊपर आती है एयर के अंदर बेटा जी अपने आप को ग्रो करती है, अपराइट पोजिशन में ग्रो करती है, मैं कहूंगा वो स्टेम होती है बेटा जी एरियल। जो ग्राउंड से बाहर तो आती है बट वो एयर में अपने आप को अपराइट ग्रो नहीं कर पे बेटा जी, वो आपके हॉरिजेंटली बेटा जी सर्फेस के ऊपर अपने आपको स्प्रेड करती है, उसका नाम था सब एरियल। और एक आपने कहा था सर ग्राउंड के बाहर आती ही नहीं है, उसका नाम था बेटा जी अंडरग्राउंड स्टेम। ये सब आपने की है बेटा जी। अब पॉइंट आया था बेटा जी यहाँ पे कि वहां पे जो एरियल स्टेम है वो भी फर्दर आपने तीन टाइप की पढ़ी थी, या तो वो रिड्यूस हो गई हाईली साइज में, या फिर वो बेटा जी इरेक्टेड फॉर्म में है, या फिर वो वीक फॉर्म में है। जब आपने वर्ड बोला था वीक तो फिर आपने उसके दो टाइप किए थे, या तो ट्विनर हो सकती है या फिर वो बेटा जी क्लाइंबर हो सकती है। आपने कहा था सर जो हमारी सब एरियल है इसके भी अलग अलग टाइप है, कोई ट्रेलर है बेटा जी, कोई रनर है यहाँ पे, कोई ऑफसेट है बेटा जी यहाँ पे, कोई स्टॉलन है। आपने कहा था सर अंडरग्राउंड के भी फर्दर टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड देयर फंक्शन, जैसे वो किस तरह से बनती है उसके बेसिस पे भी वो फर्दर टाइप की थी। आपने कहा था सर सबसे पहले वहां पे हमने पढ़ा था अंडरग्राउंड रनर होती है, उसका नाम था सकर, फिर वो हाईली ब्रांच हो जाती है और बेटा जी अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करती है, वो बन गया था राइजोम। फिर आप लोगों ने कहा था सर हमारा बन जाता है यहाँ पे आपका राइजोम के बाद आपका बेटा जी कि वो इररेगुलर शेप बनती है, ट्यूबर लाइक इलोंगेटेड है, तो आपने कहा था ट्यूबरस। फिर आप लोगों ने कहा था सर वो स्पेरिकल शेप की हो जाती है, नाम था बेटा जी कॉर्म, और आपने कहा था सर वो आपकी स्पेरिकल शेप की है और रिड्यूस हो जाती है स्टेम, वहां पे वर्ड आया था बेटा जी बल्ब। और हमने इस तरह से टाइप ऑफ स्टेम को अपने लास्ट लेक्चर में बेटा जी फिनिश किया था। अब उसके आगे क्या, अब हमारा टॉपिक आता है व्हाट आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन द लीफ, सॉरी लीफ नहीं, स्टेम में क्या क्या मॉडिफिकेशन है, हम उनकी बात आपके साथ करेंगे। पहली मॉडिफिकेशन भूमिका बेटा, मैं पहली मॉडिफिकेशन का नाम लिखूंगा यहां पे टेंड्रिल्स। क्या नाम लिखूंगा बेटा जी यहाँ पे टेंड्रिल्स। अब आपने कहा सर टेंड्रिल क्या है, तो आप ये और पहले पढ़ चुके हो कि सर जहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है क्लाइंबिंग ऑफ द प्लांट की में, आपने अलग अलग मॉडिफिकेशन में इस वर्ड को यूज किया है। तो यहां पे मैं कहूंगा जो स्टेम होती है उसके पास प्रेजेंट होती है बेटा जबकि ऑक्सिलरी बर्ड। ऑक्सिलरी बर्ड का काम था कि आगे जाके बेटा जो ब्रांच को गिव राइज करे या फिर उस पर फ्लोर अराइज हो बेटा जी, बट वो यहाँ पे मॉडिफाई होके बेटा जी गिव राइज करती है टेंड्रिल की, और बेटा जी हेल्प करती है इन द क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री में, हेल्प करती है इन द क्लाइंबिंग ऑफ द स्टेम में, उसकी हेल्प करती है। मैं कहूंगा ऐसा बेटा जी एक आपका कोइल्ड पार्ट जो हेल्प करेगा क्लाइंबिंग में बेटा जी, वो क्या बन जाएगा यहाँ पे टेंड्रिल बन जाएगा। एग्जाम्पल में क्या आता है बेटा जी यहाँ पे ग्रेप पाइन, आप कह सकते हो कुकरबिता या कुकरबिटेसी फैमिली, जिसके अंदर कौन आ जाएंगे बेटा जी यहाँ पे, इसमें आप कह सकते हो सर इसमें आ जाएंगे आपकी कुकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ईटीसी। इन सब के अंदर आपको दिखाई देगा जो ऑक्सिलरी बर्ड होती है बेटा जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, और मॉडिफाई करके बेटा जी वो बनाती है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उसका नाम होता है बेटा जी आपका यहाँ पे टेंड्रिल, जो चिंकी हेल्प करता है उस स्टेम की अपने पार्ट को क्लाइंब करने की ऑन द स्पॉट, या किसी भी चीज पे वो ऊपर क्लाइंब करेगी, मैं कहूंगा वो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा जी यहाँ पे टेंड्रिल। अगला पार्ट में आप आते हो, आपने वर्ड बोला बेटा जी थ्रोन। कल जब मैंने आपको पढ़ाया था मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, तो वहां पे आपने वर्ड बोला था बेटा जी स्पाइन। आपने परमजीत कहा था सर जो भी हमारे जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं वहां पे, क्योंकि उसमें लीव्स में नंबर ऑफ द स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, तो वो स्टोमेटा को रिड्यूस करने के लिए उनके जो भी बेटा जी लीव्स होते हैं बेटा जो मॉडिफाई होकर बन जाते हैं स्पाइन, और उनकी स्टेम बनती है फोटोसिंथेटिक, या उनका आपने कहा था रेचिस, या आपने कहा था पेट्रोल बिकम द फोटोसिंथेटिक। आपने ऐसा एग्जाम्पल जाना था एकेशिया ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब यहां पे एक वर्ड को सुनना, जो ऑक्सिलरी बर्ड होती है, जो ऑक्सिलरी बर्ड होती है बेटा जी वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, वो वहां पे एक स्टिफ हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है बेटा जी। मैंने बोला स्टिफ है, बहुत ही हार्ड एक स्ट्रक्चर है बेटा जी, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है थ्रोन।
एंड थ्रोन आर नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स. ये कांटे से अलग है बेटे, स्पाइन से अलग है. स्पाइन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स बट थ्रोन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑक्सिलरी बर्ड. ये भी किसके मॉडिफिकेशन है बेटा जी, यहां पे ऑक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है बेटा जी. जो आपकी ऑक्सिलरी बर्ड है बेटा जी वो मॉडिफाई होके बनाती है बेटा जी थ्रोन. अब पॉइंट आएगा सर व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थ्रोन, ये क्यों बने, तो मैं कहूं जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हर्बीवोरस. उनको जो प्लांट्स आके खाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करवाने के लिए बेटा जी ये बनकर यहां पर तैयार हो जाते हैं. तो ये थी बेटा जी दो आपके मॉडिफिकेशन. अब मैं आता हूं थर्ड वर्ड पे बेटा जी, और थर्ड वर्ड आता है बेटा जी फाइलोक्लेड्स. एंड वर्ड बोला बेटा जी यहां पे आपका फाइलोक्लेड्स. अब ये क्या है फाइलोक्लेड्स, तो पॉइंट आता है कि फाइलोक्लेड्स जो होते हैं बेटा जी दीज आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, या मैं कहूंगा दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम. दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम है बेटा जी, जो बेटा जी यहां पे फोटोसिंथेटिक हो गई है. इनको समझने के लिए मैं एक वर्ड और लिखूंगा यहां पे बेटा जी, क्लेडोडस. हम दोनों को जरा एक बार समझ के देखते हैं कैसे समझते हैं बेटा जी. आपने कहा सर ये हमारी स्टेम है, सर ये स्टेम के ऊपर ब्रांच निकल रही है. मैंने कहा बेटा जी स्टेम बिकम फ्लैट एंड फोटोसिंथेटिक. And start the process of photosynthesis. वर्ड को जरा समझ के देखो बेटा जी. आपने कहा सर जो डेजर्ट के प्लांट है उनके अंदर जो भी हमारी बेटा जी यहां पे लीव थी वो मॉडिफाई होके स्पाइन बन गई, और अगर वो स्पाइन बन गए तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेंगे. तो मैंने कहा बेटा जी उनके जो पत्ते होते हैं वो तो स्पाइन बन गए. अब उसके इसमें क्या हो गया बेटा जी, आपके जो भी यहां पे स्टेम का पार्ट है उसकी ब्रांच जो है बेटा जी वो यहां पे फ्लैटेंड हो गई, वो यहां पे फ्लैटेंड हो गई, फ्लैट हो गई, और हमें लीफ के जैसी नजर आ रही है. एंड दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मैं कहूंगा जहां पे स्टेम एक पत्ते के जैसी बन जाए, एक स्टेम फ्लैट हो जाए और फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक फ्लैटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दे, मैं कहूंगा ऐसी स्टेम को मैं क्या बोलूंगा बेटा जहां पे फाइलोक्लेड. वर्ड क्लियर हो रहा है आपका दिमाग में. अब यहां पे प्रिया दिमाग में एक पॉइंट आया सर फिर क्लेडोडस क्या है, तो मैं कहूंगी पॉइंट है जो छोटा सा समझना है. यहां पे मैंने कहा स्टेम भी हो सकती है और साथ में उसके बेटा जी ब्रांचेज, ये फ्लैट हो गई और बेटा जी फोटोसिंथेटिक हो गई. मैंने कहा बट अगर ऐसा हो ओनली द स्टेम ब्रांच बिकम फ्लैट एंड फोटोसिंथेटिक, तो मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी यहां पे क्लेडोडस. छोटा सा डिफरेंस है यहां पे श्रुति, छोटा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. यहां पे स्टेम और उसकी ब्रांच टोटली बेटा जी कैसी होगी फोटोसिंथेटिक होगी, टोटली कैसी होगी फ्लैटेंड होगी. यहां पे मैंने क्या बोला ओनली स्टेम ब्रांच, डिफरेंस आ रहा है दिमाग में. यहां पे मैं कहूंगा बेटा जो ग्रोथ होती वो होती अनलिमिटेड, भाई स्टेम कितनी बड़ी है सारी फोटोसिंथेटिक होगी, उसकी जो ब्रांच थी वो भी फोटो. मैं कहूंगा पूरा का पूरा भैया जो उसका एरियल पार्ट क्या हो गया यहां पे फोटोसिंथेटिक हो गया, वो फ्लैटेंड हो गया. इसमें मैंने कहा भाई उसकी सिर्फ एक ब्रांच है जो फोटोसिंथेटिक हुई है. अब बात आती है उसकी कितनी बड़ी ब्रांच भी कितनी बड़ी है, तो मैं कहूंगा बेटा जी 1 to 2 इंटरनोड लॉन्ग ब्रांच बिकम फ्लैट एंड फोटोसिंथेटिक. पॉइंट को समझो, यहां मैंने कहा स्टेम भी उसकी सारी ब्रांच ऐसा काम कर रही है. पारस यहां पे एक या दो इंटरनोड लॉन्ग जो बेटा जो उसकी ब्रांच है उसी ने किया, तो मैं कहूंगा भाई यहां तो पूरी की पूरी स्टेम हो रही है, तो कहूंगा यह ग्रोथ कैसी है अनलिमिटेड है और यहां ग्रोथ लिमिटेड है.
लिमिटेड ग्रोथ है। पॉइंट को याद रखो मेरे भाई, यहां मैं लिख देता हूं वंशी का बेटा, लिमिटेड ग्रोथ है। और यहां कैसी है, कितनी भी ग्रोथ हो सकती है, यहां बेटा अनलिमिटेड ग्रोथ है। पॉइंट को समझना है बेटा जी। आपने कहा सर इसका एग्जांपल क्या है, तो मैं कहूंगा एग्जांपल है ना भाई डेजर्ट का आपका ओपंशिया। ओपंशिया इज द डेजर्ट प्लांट जिसमें आपको दिखाई देगा बेटा जी, यहां पे आपको दिखाई देगा बेटा जी एस्परगस। तो ये आपको एग्जांपल समझने हैं, ये पेपर में आते हैं बेटा जी, आपको इन्हें समझना है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम क्या क्या होते हैं, और मैंने आपको चार मॉडिफिकेशन बता दिए। या तो ट्रेंडिल बन गई, कोई पूछे ट्रेंडिल यहां पे किसका मॉडिफिकेशन, तो मैं कहूंगा एक्चुअली इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड। अब आएगा दिमाग का पॉइंट सर स्टेम, मैं कहूंगा अरे बेटा एक्सिलरी बर्ड भी तो किसका पार्ट है, स्टेम का ही पार्ट है। तो हमने कहा भैया जी उसका मॉडिफाई होके वो ट्रेंडिल बना। इससे पहले आपने कहा था लीफ के बेस से निकल गया ट्रेंडिल, या फिर बेटा जब का स्पाइक्यूल जो थे बेटा जी वो बने थे ट्रेंडिल, तो अलग अलग केस हो रहा है बेटा जी। आपने कहा सर थ्रोन, इससे पहले आपने वर्ड पढ़ा था स्पाइन जो लीफ का मॉडिफिकेशन था, अब मैंने बोला एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होके बन गए बेटा जी आपका यहाँ पे थ्रोन, वो उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हर्बीवोरस एनिमल से। अब मैंने बोला फाइलोक्लैड, और मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे क्लैडोडस, ये एक या दो इंटरनोड लॉन्ग बेटा जी स्टेम की ब्रांच है जो फ्लैट हो गई, फोटोसिंथेटिक होगी। यहाँ पे पूरा का पूरा बेटा जी आपकी स्टेम और उसकी ब्रांच क्या होगी, फोटोसिंथेटिक होगी। अनलिमिटेड ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ है। एग्जाम्पल ओपंसिया, एग्जाम्पल एस्परगस। छोटा सा टॉपिक है बेटा जी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें मैंने आपको चार मॉडिफिकेशन समझा दिए। दैट्स इट, टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म। चलिएगा अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, कवर कर लेते हैं अगला टॉपिक बेटा जी। और हमारा अगला टॉपिक है बेटा जी यहां पे अपना रूट। अगला टॉपिक है बेटा जिसका नाम है यहां पे रूट। रूट क्या होते हैं, सबसे पहले हम बेटा जैसे हमने आज सुबह क्लास में टॉपिक शुरू किया था स्टेम, वैसे शुरू करते हैं रूट के बारे में। रूट बेटा जी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, कैसा पार्ट है बेटा जी आपका, अंडरग्राउंड पार्ट है पहला पॉइंट। दूसरा पार्ट बेटा जी नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, ना तो बेटा जो ग्रीनर ना ही बेटा जो फोटोसिंथेटिक है, मैंने कहा ये वाली बात है बेटा जी। अगला पॉइंट अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। आपने कहा था सर जो स्टेम होता है वो अराइज होता है फ्रॉम द प्लूम्यूल, और बेटा जी जो यहां पे रूट होता है वो अराइज होता है फ्रॉम द रेडिकल। डिफरेंस है, एम्ब्रियो में दो ही तो पार्ट पढ़ी आपने, तो मैं कहूंगी किससे अराइज होता है बेटा जी, फ्रॉम द रेडिकल के पार्ट से अराइज होता है। चलिएगा चलिएगा अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अब पॉइंट आता है सर हम एक स्टेम को देखते और हम एक रूट को देखते तो हाउ दे आर डिफर, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस को पकड़ते हैं। डू नॉट हैव नोड इंटरनोड बर्ड एंड लीव्स, उस पे बेटा ना तो आपको नोड दिखाई देगा, ना कहीं इंटरनोड दिखाई देगा, ना कहीं बर्ड दिखाई देगी, ना कहीं लीव्स दिखाई देंगे। राखी बेटा ये कुछ भी चीज नहीं होती उसमें, ना तो बेटा उस पर नोड होता है, ना उस पर इंटरनोड होता है, ना उस पर बर्ड होती, ना उस पर लीव्स होते हैं, जो कि आपने कहा था सर स्टेम पे तो होती है, उससे अलग चीज है। इवन हम अगर बात करेंगे टिप ऑफ रूट इज प्रोटेक्टेड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर। निधि बेटा कॉल्ड रूट कैप,
जो भी आपका रूट का टिप होता है उस पे हमेशा एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं रूट कैप। ऐसा स्ट्रक्चर आपने कभी नहीं पढ़ा बेटा जी इन द केस ऑफ द स्टेम। तो मैं कहूंगा रूट कैप वहां पे अब्सेंट थी, यहाँ पे रूट कैप क्या है, प्रेजेंट है। ये बेटा जी कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको रूट के बारे में समझनी है। आई होप निधि बेटा ये बात समझ में आ रही होगी। अब मानसी मीनाक्षी बेटा हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट आए। क्या पॉइंट आए कि सर हमने इसको देख लिया रूट को, बट रूट का अगर हम स्ट्रक्चर को समझ के देखें तो हमें रूट का स्ट्रक्चर कैसा समझ में आएगा। तो मैं कहूंगा चलेगा, पॉइंट डालते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ द रूट, एक रूट के कैसे अलग अलग रीजंस है। तो देखिएगा मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू बातें करता हूँ आपसे। रूट के बेटा जी टोटल चार रीजन होते हैं, पास नहीं अब चार रीजन कीजिएगा, हम पांचों वैसे ही बना देंगे। चार रीजन होते हैं, पहला रीजन रूट कैप। आपने कहा सर ये जो टिप ऑफ द रूट है इट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय ए सच कपलाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। इसके बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस रूट के टिप को कवर किए रहता है। हमने कहा भाई ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं रूट कैप। अब पॉइंट आता है सर रूट कैप में खास बात क्या है, ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्या फीचर। तो मैं कहूंगा बेटा जी प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा जी रूट कैप सेल सिक्रीट म्यूसिलेज। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। म्यूसिलेज क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, इट इज ए टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, चिकना चिकना लुब्रिकेंट है बेटा। सोचिएगा अगर ये रूट की कैप यहां पे लुब्रिकेंट निकालने लग रही होगी तो मैं कहूंगा इट्स बिकम इजी टू पास थ्रू ए सॉलिड सरफेस। एक सॉलिड सरफेस से पास करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा इस रूट के लिए अगर ये यहां पे लुब्रिकेंट को क्या करती है, सिक्रेट करती है। तो ये इट इज वन ऑफ द फंक्शन, मैंने क्या बोला बेटा जी, इट सिक्रेट लुब्रिकेंट, इट सिक्रेट म्यूसिलेज सो दैट इट गेट इजली पेनिट्रेट थ्रू द सॉलिड पैक हाईली पैक्ड सोयल, सो इजली अपने आप को पेनिट्रेट कर सके। ये भैया जो उसका एक फंक्शन हो जाएगा। इवन हैव स्टार्च ग्रेन्यूल That receive or that are that receive the signal of gravity. That receive the signal of gravity. ये पॉइंट मैंने क्यों बोला आपको, क्यों बोला ये पॉइंट तरुण? आपने कहा है कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सर स्टेम जो होती है टुवर्ड द ग्रेविटी ग्रोथ करती है, और जबकि स्टेम जो होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रोथ करती है। तो मतलब इसके पास कोई ऐसी चीज होगी ना जो ग्रेविटी को बेटा जी यहाँ पे उसके सिग्नल को रिसीव कर पाएगी, किस साइड में ग्रेविटी है ये उसकी साइड में ग्रो कर सके। आप एक पेड़ को अगर उल्टा पटक दोगे तो क्या होगा, आपने पढ़ा है 10th में, उसके स्टेम नीचे की साइड बेंड होगी। मतलब कोई तो है जो ग्रेविटी को उसको सेंस दे रहा है, ग्रेविटी को उसे सेंसेस दे रहा है। तो मैं कहूंगा वो जो रिसेप्टर्स है जो ग्रेविटी को सेंसेस करते हैं वो सब कहाँ बैठे हैं बेटा जी, यहाँ पे आपके रूट की कैप में बैठे हैं। वर्ड क्लियर होता है? ओके अब होता क्या है, अब सोचिए कि ये जब अंदर पेनिट्रेट कर रही होगी तो यहां पे एक चांस होगा पारस, जब ये अंदर पेनिट्रेट करेगी एक चांस होगा कि रूट कैप क्या हो जाए बेटा, जहां पे ब्रेकडाउन हो जाए। तो मैं कहूंगा जो भी यहां पे पुरानी सेल्स होती है वो पिल्ड ऑफ हो जाती है, वो निकल जाती है यहां से बेटा जी, और नई सेल यहां पर एड की जाती है बाय द टिप ऑफ द स्टेम। यहां पे जो टिप वाला पार्ट वो डिवाइड कर करके नई सेल रूट कैप में एड करता है, पुरानी जो रूट कैप की सेल है बेटा वो यहां से पिल्ड ऑफ हो जाते हैं, यहां से हटती रहती है और नई सेल बेटा जी यहां से उसमें ऐड होती रहती है। आप पॉइंट आएगा दिमाग में सर यहां पे ऐसा क्या है जो ऐड करेगा, तो बातें अभी आपको बताएंगे इसके बारे में। पर ये पहला जो पॉइंट था बेटा जी वो क्या था, यहां पे आपका रूट कैप था। चलेगा अगले वर्ड पे आते हैं। अब हमने कह दिया
अगला जो पार्ट आता है वो है बेटा जी मेरिस्टमैटिक जोन। अगला जो पार्ट आता है वो है बेटा जी यहाँ पे मेरिस्टमैटिक जोन। जरा समझ के देखते मैं किसकी बात करूं। मैंने कहा भाई यहां वाला जो हिस्सा है ये वाला जो मैंने हिस्सा बनाया, मैंने कहा भाई ये वाला जो पार्ट है इट इज मेरिस्टमैटिक जोन। अब पॉइंट आता है यहां पे कि सर इस मेरिस्टमैटिक जोन का क्या मतलब है। तो मैं कहूंगा बेटा जी मेरिस्टम सेल्स प्रेजेंट। अब मान जी कोई पूछे तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां क्या बोला है मैंने बेटा जी आपको मेरिस्टम सेल प्रेजेंट इन दिस जोन। अब यहां पे अगर मेरिस्टम सेल है तो मैं कहूंगी मेरिस्टम की सेल क्या है। तो आप लोगों को बता दूं बेटा जी मेरिस्टम जो वर्ड है ये एक लैटिन की भाषा से ड्राइव हुआ और इस वर्ड ये जिस लैटिन वर्ड से है उसका मतलब वो होता है मेरिस्टोज। और मेरिस्टोज वर्ड का मतलब होता है टू डिवाइड। कोई भी प्लांट की ऐसी सेल जो बार बार अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बनाती है हम ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा जी मेरिस्टम। एनी सेल दैट हैज that have the ability to divide again and again and give rise to the new type of the cell, then such type of cell are known as meristem cell. तो मैं कहूँगी यहाँ पे वो cell बैठी हुई है जो बार-बार divide करके बेटा जी नई cells को बनाती है। मतलब जो भी नई cells को formation वाला zone है बेटा जी वो आपका ये zone है। Okay. अब सोचिएगा ये cell जब divide करती होगी पार्स और नई cells को add करेगी तो मैं कहूँगी या तो नई cells बेटा जी यहाँ पे add कर रही है। क्यों ऐड कर रही है कि भाई जो यहाँ की जो सेल डैमेज हो रही है ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन तो वो हट जाएंगी और नई सेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ये भैया जी ऐसे पीछे नई सेल्स को ऐड करने लग रहा है बेटा जी नई बन बन के ऐड होने लग रही। तो मैं कहूंगा इस तरह से पीछे वाले पार्ट के क्या हो रही है बेटा जबकि ग्रोथ होने लग रही। तो मैं कहूंगा जो भी ग्रोथ में हेल्प करता है वो जोन कौन सा है बेटा जी आपका मेरिस्टमैटिक जोन है। जो ग्रोइंग जोन है वो कौन सा है बेटा जी मेरिस्टमैटिक जोन है। अब पॉइंट आता है सर मेरिस्टम सेल के क्या फीचर है मेरिस्टम सेल के क्या फीचर है। तो मेरा आंसर होगा बेटा जी थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली पैक्ड डेंस साइटोप्लाज्म। उनके अंदर अबेंडेंट फॉर्म में न्यूट्रिशन है लगातार अपने आप को डिवाइड करती रहती है। मैं कहूंगा इस तरह का जो सेल है वो क्या है बेटा मेरिस्टमैटिक सेल। तो मैं एक और वर्ड बोल देता हूं रैपिडली डिवाइडिंग सेल डिवाइड अगेन एंड अगेन टू गिव राइज़ टू द न्यू सेल एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द रूट। ये वाला पॉइंट हो गया ठीक है। अब जरा सोचिएगा इस जोन में सेल डिवाइड हो के बेटा नई सेल सबकी एड ऑन हो रही है। तो मैं कहूंगा अब यहां पे जो नई सेल बनी वो अपने अंदर बेटा जी वॉटर को स्टोर करेंगी एंड दे बिकम इलोंगेटेड। वो सेल्स क्या होती है बेटा जी अपने आप को यहां पे इलोंगेटेड करेंगी। और मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि दे एब्जॉर्ब वॉटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट इनलार्ज इन द साइज। वो साइज में कैसी होगी बेटा जी यहां पे आपकी इनलार्ज होगी। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो मैं कहूंगा यहां पे जो सेल्स टूट टूट के नई सेल्स ऐड हो रही हैं बेटा जो यहां वाली सेल ने क्या किया न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग बेटा जिसने यहां पे एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके मैं कहूंगा ये वाली सेल बेटा जी अपने आप को इलोंगेट कर रही है ग्रो कर रही है बेटा जी साइज में। तो मैं कहूंगा भाई ये वाला जो जोन है वो कहलाएगा इलोंगेशन जोन। क्या कहलाएगा इलोंगेशन जोन। तो मैंने सेकंड पॉइंट थर्ड बोला सेल्स ऑफ दिस जोन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड वॉटर फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट इनलार्ज इन द साइज एंड गेट इनलार्ज और गेट इलोंगेटेड इन द साइज। साइज में क्या हो गया बेटा जी इलोंगेटेड हो गई
एंड स्टार्ट देयर डिफरेंशिएशन, अपने आप को डिफरेंशिएट करती है। ऐसा जो जोन है वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे इलोंगेशन जोन है। अब अगर ये डिफरेंशिएट करेगी और ऐसे इलोंगेट होती होती इनकी अपनी एक स्पेसिफिक शेप हो जाएगी, साइज हो जाएगी, मैं कहूंगा अब ये सेल्स क्या हो गई, ये मैच्योर हो गए, तो मैं कहूंगा इस वाले पार्ट में कह देता हूँ बेटा जी मैं यहाँ पे ये वाला जो जोन है उनमें मैं कुछ अलग टाइप की शेप बना रहा हूँ बेटा जी। मैं कहूंगा भाई ये वाला जो रीजन है वो है बेटा जी मैच्योर जोन, ये वाला रीजन क्या है मैच्योर जोन। जरा समझ के देखिएगा, यहां पे सेल लगातार डिवाइड हो रही है, उसने डिवाइड करके नई सेल्स को ऐड किया। वो जो नई सेल बनी उन्होंने साइड से वाटर लिया, उन्होंने साइड से मिनरल्स लिया और अपने आप को इलोंगेट किया। मैंने कहा ये बन गया इलोंगेशन। अब यहां से नई सेल्स ऐड हो रही है वो फिर इलोंगेशन करेगी। मैं कहूंगा जो पुरानी वाली सेल है जो इलोंगेट हो चुकी है उनका शेप और साइज फिक्स हो जाएगा, वो हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी। तो मैं कहूंगा अब वो सेल्स क्या बन गए बेटा जी यहाँ पे मैच्योर बन गए। तो मैं कहूंगा ऐसे नीचे से नई सेल्स ऐड होती रहती हैं और इस तरह से बेटा जी जोन बन के तैयार हो जाते हैं। तो एक पॉइंट आता है श्रुति, जो ग्रोथ हो रही है वो कहां से हो रही है, तो आपको कहेगा सर इस वाले पॉइंट से ग्रोथ हो रही है लगातार। तो ग्रोइंग पॉइंट तो कहां बैठा, ओनली एट द टिप बैठा। एक्चुअली यहां पे जो सेल बैठी है उनका नाम क्या है बेटा जी आपका एपिकल मेरिस्टम सेल। क्या नाम उसका बेटा जी, एपिकल मेरिस्टम की सेल है जो यहां बैठी हुई लगातार डिवाइड कर करके नई सेल्स को ऐड करने लग रही। अब आता है पॉइंट सर किस जोन में वाटर मैक्सिमम अपने आप को एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी इसके अगर हम पीछे वाले पार्ट पर ना जाके थोड़ा सा इस साइड में देखें तो यहां पे क्या होता है बेटा जी जो एपिडर्मिस की सेल होती है वो इस तरह से बेटा जी ऐसे बेटा जो एपिडर्मिस की सेल अपने आप को इलोंगेट करती है। क्या कर रही है यहाँ पे बेटा जी अपने आप को इलोंगेट करे। तो मैं कहूंगा इस वाले मैच्योर जोन के रीजन बेटा जी आपकी इस तरह से बेटा जी आपकी एपिडर्मिस ने अपने आप को ग्रो कर लिया। ग्रो करेगी तो क्या होगा, सोचो अगर एपिडर्मिस बाहर ग्रो करेगा, ऐसा सोचिएगा ये एपिडर्मिस है इसने इस तरह से अपने आप को इलोंगेट कर लिया। तो पारस जब इलोंगेशन होगा तो मैं कहूंगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। मैं कहूंगा ये बन गया बेटा जी रूट हेयर। और अगर तरुण इस जोन में रूट हेयर बैठी है, सचिन बेटा इस रीजन में अगर रूट हेयर बैठी है तो मैं कहूंगा उसने अपना सरफेस एरिया क्या कर लिया बेटा जी इंक्रीज कर लिया। और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो मैं कहूंगा मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब जो हुआ है वो किस एरिया में हुआ बेटा जी यहाँ पे इस रूट हेयर जोन में हुआ है। इस रूट हेयर जोन में मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इलोंगेशन में भी होता है बट यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है उसने खुद ही कंज्यूम कर लिया, उसने खुद को इलोंगेट करने में लगा ली। ये वाला बेटा जी प्लांट के लिए वो बेटा ताकि कंडक्शन हो सके। मैं कहूंगा इस वाले रीजन में क्या हुआ बेटा जी आपका यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया है और मैं कहूंगा मैक्सिमम वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन ओकर इन द रूट हेयर जोन। कोई पूछे रूट हेयर क्या है तो आप कहोगे दीज आर द इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मिस, दीज आर द इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस का बेटा जी इलोंगेशन है और मैं कहूंगा हेल्प इन द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ये अलग अलग ऐसे जोन है बेटा जी किसके यहाँ पे रूट के, कितने जोन हो गए, पांच जोन कह सकते हो या चार जोन कह सकते हो आप कह सकते हो। पहला जोन है बेटा जी यहाँ पे रूट कैप, दूसरा है मरिस्मेटिक जोन, तीसरा है इलोंगेशन जोन, चौथा है रूट हेयर जोन और आप कहोगे फाइनल जो सबसे लास्ट में बैठा है उसको हम कहोगे ये मैच्योर जोन है। वैसे टेक्निकली अगर देखो तो मैच्योर जोन के ही दो रीजन है, नीचे वाला वो रीजन जहां पे हेयर पर्जन, में कहूंगा मैच्योर जोन का वो पार्ट जहां पे हेयर बैठा है वो क्या है बेटा जी आपका रूट हेयर जोन है, ये मैच्योर जोन का ही पार्ट है। कुछ बुक्स ऐसा करती हैं कि इसके पांच पार्ट कर देती है, टेक्निकली देखा जाए तो इसके चार ही पार्ट होते हैं बेटा जी। रूट कैप है, मरिस्मेटिक जोन है, इलोंगेशन और मैच्योर जोन है और मैच्योर जोन के अंदर ही आपको रूट हेयर जोन दिखाई देगा। ये है बेटा जी जोन्स ऑफ द रूट। ये क्या है बेटा जी आपके जोन्स ऑफ द रूट है जो आपको समझना है यहाँ पे। आप एक वर्ड पे आते हैं बेटा जी, डिफरेंट टाइप के रूट सिस्टम कैसे कैसे हैं तो मैं आपको वो बातें कर लूं। तो मैं कहूंगा मेनली तीन प्रकार के रूट सिस्टम होते हैं बेटा जी, कैसे कैसे। पहला होता है बेटा जी ट्रैप रूट सिस्टम। आपने कहा सर रेडिकल से
इस तरह से एक रूट अराइज होती है और ये अपने आप को इलोंगेट कर रही है, इलोंगेट कर रही है, इलोंगेट कर रही है. मैंने कहा इट इज द रूट दैट डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द रेडिकल. इट इज द रूट दैट डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द रेडिकल. मैं कहूंगा ये वाली जो रूट है बेटा जी वो है प्राइमरी रूट. It get elongated and get deeply penetrate. It get elongated and get deeply penetrate within the soil. कौन सी रूट की बात कर रहा हूं? प्राइमरी रूट की बात कर रहा हूं. इसके बाहर निकले बेटा जी इस तरह से आपकी रूट, इसकी ब्रांच निकली बेटा जी. आपने कहा जो इसके ब्रांच निकली है वो क्या है बेटा जी? आपकी सेकेंडरी रूट. क्या है बेटा जी यहां पे? सेकेंडरी रूट. आपने कहा सेकेंडरी रूट के फर्दर ऐसे सर ब्रांचिंग हो गई है. आपने कहा सर ये क्या? मैं कहूंगा ये है टर्सरी रूट. ऐसे इस रूट के फर्दर और डिवीजन हो गए. मैं कहूंगा वो बन जाएंगे बेटा जी रूटलेट. और उन रूटलेट के बेटा जी हेयर लाइक ग्रोथ होती है तो मैं कहूंगा वो बन जाएंगे बेटा जी रूट हेयर. सिस्टम को समझो, सिस्टम को समझो, सिस्टम को समझो बेटा जी. आपने कहा सर रेडिकल से एक रूट निकली जो डीपली पेनिट्रेट हो गई. मैंने कहा वो है प्राइमरी रूट. उस प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग निकली वो है सेकेंडरी रूट. सेकेंडरी रूट की ब्रांच निकली वो है टर्सरी रूट. टर्सरी रूट की ब्रांच निकली वो है रूटलेट. और रूटलेट के भी भैया जी बाहर प्रोजेक्शन निकले, हेयर लाइक ग्रोथ हुई, वो है बेटा जी रूट हेयर. इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है बेटा जी फैला पड़ा है धरती के अंदर. मैं कहूंगा जहां पे प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांच बेटा जी एग्जिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, मैं कहूंगा ऐसा जो रूट सिस्टम है वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे? टैप रूट सिस्टम. सपना बेटा, भूमिका, हिमांशी, साइना सुनेगा बच्चा, टैप रूट सिस्टम. जहां प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, ऐसे रूट सिस्टम को हमने क्या बोला? टैप रूट सिस्टम. और ये रूट सिस्टम होता है बेटा जी विद इन द डाइकॉट प्लांट में, विद इन द डाइकॉट प्लांट में ये होता है. आपने कहा सर इसके अलावा और क्या है? मैं कहूंगा दूसरा होता है बेटा जी फाइब्रस. होता यहां भी ऐसा ही है कि प्राइमरी रूट वो रूट है जो अराइज होते हैं बेटा जी आपके रेडिकल से. बट पॉइंट क्या आता है? पॉइंट क्या आता है? प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. वो थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहती है. शॉर्ट लिव्ड है बेटा, वो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहती है. एंड इट गेट रिप्लेस क्लस्टर ऑफ रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम. फिर बेस ऑफ द स्टेम से बेटा जी आपके यहां पे बहुत सारे रूट निकले और वो उसको रिप्लेस करिए. सोचिएगा जरा, ये सर स्टेम है. एक्चुअली यहां रेडिकल से रूट निकली थी वो खत्म हो गई. फिर सर इस तरह से यहां से बहुत सारे रूट है जो निकली हुई है. ऐसे गुच्छा सा बन गया. मैं कहूंगा ये जो गुच्छा बन गया ये है बेटा जी फाइब्रस रूट सिस्टम. पॉइंट को समझना. यहां प्राइमरी रूट एग्जिस्ट करेगी और उसकी ब्रांच भी एग्जिस्ट करेगी. यहां प्राइमरी रूट ओरिजिनेट हुई बट वो रिप्लेस हो जाती है और उसकी जगह बेटा जी ऐसे बहुत सारे बेटा जी आपके थिन रूट्स अराइज हो जाती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से. मैं कहूंगा ये बन जाता है फाइब्रस रूट. एग्जाम्पल क्या कहेंगे आप? कहोगे सर इन द केस ऑफ द मोनोकॉट प्लांट जो रूट सिस्टम है वो कैसा है बेटा जी? मोनोकॉट है. अब आप कहोगे सर और भी कोई रूट सिस्टम है क्या? मैं कहूंगा यस. मैं एक वर्ड आपको और बता देता हूं जो आपके दिमाग में और ठीक हो जाएगा. वैसे आपको पता है वो बात बट चलेगा, हम उसको थोड़ा सा आपके लिए ऐड कर देते. मैंने कह दिया तीसरा वर्ड यहां पे एडवेंटिशियस. रूट सिस्टम आपने आज क्लास में पढ़ा था रनर. वहां आपने ये कहा था नोड से भैया जी आपकी रूट अराइज हो रही थी, पढ़ा था ना. अब पॉइंट को समझ के देखो.
मैं कहूंगा वहां अगर मैं घास को देखता हूं तो वहां जगह जगह बेटा जी नोड ऑफ द स्टेम से बेटा जी वहां पे रूट्स राइज हो रही है। मैं कहूंगा वहां पे क्या बन रहा है बेटा जी, आपका एडवांटेजियस रूट सिस्टम बन के तैयार हो रहा है। तो कोई ऐसा प्लांट जहां पे रूट गेट अराइज फ्रॉम द अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट अराइज हो जाए और प्लांट को सपोर्ट करे और हेल्प करे न्यूट्रिएंट के मिनरल्स में बेटा जी, और प्लांट के मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में, कहूंगा ऐसा बन जाता है बेटा जी एडवांटेजियस। और ये होती है स्पॉटिंग रूट, ये आती है ताकि मेन रूट की क्या कर सके, स्पॉट कर सके, हेल्प कर सके। इसके अलग अलग फंक्शंस आएंगे और मॉडिफिकेशंस आएंगे, वो हम टॉपिक के साथ आगे बात करेंगे यहाँ पे। बट कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय एडवांटेजियस रूट, तो आप आंसर दे सकते हैं एनी रूट दैट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से आ जाए अगर कोई रूट, तो वो रूट क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एडवांटेजियस रूट। आई होप ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ गया होगा, वर्ड आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब पॉइंट आता है व्हाट आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस इन द रूट, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन द रूट। तो मैं कहूंगा रूट्स की अलग अलग मॉडिफिकेशन है। अलग अलग मॉडिफिकेशन है बेटा रूट में, वो क्या क्या हो सकते हैं, जरा उनके बारे में बात करते हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा लेक्चर को, बस थोड़ा सा बताता हूं। मैंने कहा पहला बेटा जी यहाँ पे ट्रैप रूट मॉडिफिकेशन, ट्रैप रूट थी, प्राइमरी रूट थी, वो मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करती, बट उसने अलावा वहां पे कोई और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो वहां पे मॉडिफाई हो जाती है। तो मैं कहूंगा टैप रूट ने अलग अलग बेटा जी मॉडिफिकेशन शो की। मैं कहूंगा सबसे पहले मॉडिफिकेशन पे आता हूं बेटा जी यहां पे कोनिकल कोनिकल को समझिएगा बेटा ये क्या है, देखिएगा मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा। अब गाजर खाते हो, गाजर, गाजर कभी सेब को देखा आपने, कुछ इस तरह से सेब होती है उसकी कि वो एक कौन सेब की होती है, वो किस सेब की होती है बेटा जी, कौन सेब की होती है। तो मैंने कहा भैया जी ये कौन सेब का जो प्राइमरी रूट बन गई, और ये उसके बाहर जो आपको ऐसे हेयर लाइक दिख रही है, एक्चुअली क्या उसके रूट के हेयर है, ये रूट हेयर्स हैं बेटा जो प्राइमरी रूट पे अराइज हो रहे हैं मेरे भाई। मैं कहूंगा ये बेटा जी आपको इसे कोनिकल शेप की होगी, मैं कहूंगा बेटा जी इट्स ए कोनिकल टैप रूट सिस्टम। एक्चुअली ये कैसे बनी श्रुति, ये कैसे बनी, मैंने कहा इसने अपने अंदर बेटा जी खाने को स्टोर कर लिया, इट बिकम फ्लैसी बाय द स्टोरेज ऑफ द फूड। तो मैंने कहा भाई ये बन गया मेरा कोनिकल सेप का स्ट्रक्चर। मैंने कहा ये एक्चुअली क्या है, ये एक फ्लैसी रूट है बेटा जी, जो एक मॉडिफिकेशन है किसका यहाँ पे, टैप रूट सिस्टम। आई होप ये वर्ड आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा बेटा जी, ये वर्ड बड़ा सिंपल सा है जो आपके दिमाग में क्लियर होता है यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं है। अगला फॉर्म आता है बेटा जी फ्यूजीफॉर्म, आप अगर बेटा जी यहाँ पे मूली को देखोगे तो आपको दिखाई देगा मूली में कि ऊपर का पार्ट भी नैरो है और उसका टेल पार्ट भी नैरो है, ये बीच का जो पार्ट वो कैसा है बेटा जी आपका यहाँ पे स्वेल है। मैं कहूंगा एक्चुअली ये स्पिंडल शेप है, कैसा है बेटा जी यहाँ पे स्पिंडल शेप, और मैं कहूंगा इसके बाहर आपको दिखाई देंगे इस तरह से बेटा जी आपके यहाँ पे ऐसे हेयर्स होते। ये क्या है बेटा जी, सेप अलग है, वही फूड का स्टोरेज है, वही फूड का स्टोरेज है, वही बेटा जी टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है, बस नाम अलग अलग। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कोनिकल सेप का है, मैंने कहा ये फ्यूजी फॉर्म है, ये स्पिंडल सेप का है। पॉइंट को समझो, ये कैसा है यहां पे स्पिंडल सेप का, ये एग्जांपल क्या बन गया इसका, मानसी एग्जांपल क्या है इसका, कैरेट है। इसका क्या एग्जांपल है, रेडिस,
दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कि ये क्या है बेटा जी, आपके मॉडिफिकेशन है जो आपको समझने हैं बेटा जी यहाँ पे कि यस ये मॉडिफिकेशन है। अगले पे आए बेटा जी नेपी फॉर्म, जरा देखिएगा आपने कहा सर नेपी फॉर्म का मतलब है वहां पे शेप कैसी होगी बेटा जी आपके यहां पे स्पेरिकल हो गई, कैसी हो गई स्पेरिकल हो गई। एग्जांपल टर्निप सलगम आपको दिखाई दे रहा है ये सर इसके क्या प्रेजेंट है आपके यहां पे रूट के हेयर प्रेजेंट। अब कई बार पॉइंट आ जाता है कि जो आप मूली खाते हो और जो सलगम खाते हो उनमें एडिबल पार्ट क्या है, तो जरा एक बार डायग्राम को याद करो। आप लोगों ने ऐसा कहा था डायग्राम के अंदर कि सर इस तरह से हमने एक एम्ब्रियो का डायग्राम पढ़ा है, सर ये लास्ट वाला पार्ट होता है रेडिकल और इसके यहाँ पे होता है रूट कैप और यहाँ सर हमने एक वर्ड पढ़ा था हाइपोकोटाइल। तो एक्चुअली याद रखना है मेरे भाई ये जो टर्निप का ऊपर वाला पार्ट है जो आप लोग खाते हैं वो होता है हाइपोकोटाइल। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे कभी रूट के हेयर नहीं होते हैं। रूट हेयर तो भैया जी रूट पे होंगे ना, रूट कहाँ से राइज होती है रेडिकल से राइज होती है और आप देखना सलगम में नीचे ऐसे एक पूछ सी होती है और उसके प्रेजेंट होते हैं हेयर। तो मैं कहूँगा एक्चुअली रूट हेयर यहाँ प्रेजेंट है, ये है उसकी बेटा जी रूट जो रेडिकल से अराइज हुई है और जो ऊपर हिस्सा बैठा है वो है बेटा जी हाइपोकोटाइल, वो है बेटा जी आपका हाइपोकोटाइल। ऐसे ही अगर मूली में कहा जाए तो मैं डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करके कहूँगा जो अपर पार्ट होता है वहां पे कभी रूट के हेयर्स नहीं होते हैं बेटा जी, मैं कहूंगा ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाइपोकोटाइल। इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा बेस पार्ट और ये वाला पार्ट होता है टिप पार्ट। तो मैं कहूंगा टिप ऑफ द रेडिस इज मेड अप ऑफ टैप रूट एंड द बेस ऑफ द रेडिस इज मेड अप ऑफ द हाइपोकोटाइल। वैसे मैंने यहां बोला टर्निप में सलगम में जो एडिबल पार्ट है वो क्या है हाइपोकोटाइल है और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे रूट का पार्ट है। यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन बोली मैंने, तीन तरह के नाम बोल दिए, कॉनिकल क्योंकि कौन शेप हो गई उसकी, मैंने बोला बेटा जहाँ पे फ्यूजी फॉर्म क्योंकि वो यहाँ पे आपके स्पिंडल शेप की हो गई बेटा, नेपी फॉर्म क्योंकि वो यहाँ पे बेटा जी आपकी शेप कैसे शो कर रही है बेटा जी आपके यहाँ पे स्पेरिकल शेप है। ऐसे मैं एक और नाम बोल देता हूँ ट्यूबरस, इलॉन्गेटेड शेप है बट नॉट ए फिक्स्ड फॉर्म। ऐसा नहीं है कि वो कौन बनेगी कैसे, कोई फिक्स फॉर्म नहीं है बस इलॉन्गेटेड है, इलॉन्गेटेड है कोई फिक्स शेप नहीं है। मैं कहूंगा इसका एग्जाम्पल मिरेबलिस चलापा, एग्जाम्पल क्या है मिरेबलिस चलापा। इलॉन्गेटेड है ट्यूबर के शेप की है, इलॉन्गेटेड है ट्यूब लाइक है बट क्या शेप होगी ये नहीं, वो फिक्स है वो शेप वेरिएबल है। आपने कहा वो कैसी भी हो सकती है ट्यूब लाइक इलॉन्गेटेड शेप है, मैं कहूंगा दीज आर द मॉडिफिकेशन। तो मैंने आपको टॉपिक कवर कर दिया, रूट क्या होता है क्या उसके फीचर्स हैं, मैंने बता दिया उसके रूट के जोन्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे रूट के सिस्टम्स होते हैं और मैंने बेटा जी अब बातें कर ली आपके साथ में टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन और मैंने आपको बता दिया बेटा जी कॉनिकल क्या होता है, फ्यूजी फॉर्म क्या होता है, नेपी फॉर्म क्या होता है और ट्यूबरस क्या होता है, मैंने ये आपको कुछ मॉडिफिकेशन बताया। अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक हमने कवर कर दिया, छोटा मोटा टॉपिक बचा हुआ है। मैं चाहता हूं कि कल जब क्लास में आप आए तो ये सारा का सारा प्लांट का टॉपिक रिवाइज करके आए। कल आते ही फर्स्ट पीरियड में आप लोगों का टेस्ट है, जो भी आप पढ़ के आएंगे उसके ऊपर एक टेस्ट लूंगा मेरे भाई यहाँ पे जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर आपका इंक्लूड है। तो आपका टेस्ट होगा आते ही, मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू बना के लाऊंगा ताकि ये देखो आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है, कितने एग्जाम्पल्स आपको याद हैं, एक अच्छा सा एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। कल आप लोगों का एक अच्छा सा पहले टेस्ट होगा, उसके बाद इसका जो बचा हुआ पार्ट बच गया हम उसे फिनिश करेंगे। चलेगा बेटा जी आने से पहले वीडियो को खत्म करके आना है, इट्स ए रिक्वेस्ट आपको आने से पहले खत्म करना है। मैं कल आके फिर क्लास में पूछूंगा और कल मैं टेस्ट लूंगा, मैं उसमें क्रॉस चेक भी करूंगा क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं चाहता मैं किसी को डांटू सुबह सुबह। तो प्लीज आपको ये पढ़ के आना है मेरे भाई, इट्स ए रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आपको आना है इसे पढ़ के। चलेगा मिलते हैं कल मॉर्निंग में आपसे क्लास में, जय हिंद, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू मेरे बच्चा।